दोस्तों आज मैं आप लोगों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। जैसे कि ये योजना क्या है, इसका लाभ कहां, कैसे और किसको मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो आइए आयुष्मान भारत योजना के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। दोस्तों ये योजना भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार समेत लगभग 50 करोड़ लोगों को इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठाने की दिशा में अग्रसर है। अगर आपका नाम पीएमजेवाई यानी कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी सूची में है तो आप किसी भी इनपैनल यानी गवर्नमेंट द्वारा लिस्टेड सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इस योजना के तहत 1,350 तरह के मेडिकल सर्जरी, मेडिकल और डे केयर ट्रीटमेंट, इसमें दवाएं, चेकअप और ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बस आपको इनपैनल्ड हॉस्पिटल यानी कि लिस्टेड हॉस्पिटल में एक फोटो आईडी लेकर जाने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब तक आप इस योजना के बारे में समझ गए होंगे। यदि इसके अलावे भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना के लाभ के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आपका और आपके परिवार के किन किन सदस्यों का नाम इस योजना के लाभार्थी सूची यानी बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं। आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे ये चेक कर सकते हैं कि आप और आपके परिवार के किन किन सदस्यों का नाम इस स्कीम के लाभार्थी सूची में है या नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जान लेते हैं कि हमारा और हमारा परिवार इस आयुष्मान भारत योजना के स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ऑफिशियल वेबसाइट URL है www.pmjay.gov.in। तो मैं यहाँ पर होम आयुष्मान भारत पर क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करते ही ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज मैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिए जा रहे सुविधाओं के लिए आप एलिजिबल योग्य हैं कि नहीं, ये कैसे आप जान सकते हैं, यही बताने वाला हूँ। तो ये जानने के लिए यहाँ MI एलिजिबल पर क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसे लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ और नीचे कैप्चा कोड एंटर करके जेनरेट OTP पर क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर में 6 अंकों का एक OTP भेज दिया जाएगा। जब तक हमारे मोबाइल पर OTP आता है, कुछ जरूरी बातें आप लोगों से शेयर कर लेना चाहता हूँ। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ बताना अभी बाकी है। तो दोस्तों इस योजना से जुड़ी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाले हैं, जैसे कि इनपैनल हॉस्पिटल यानी कि इस योजना के अंतर्गत लिस्टेड हॉस्पिटल जहां आप इस योजना के तहत अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। तो इसके लिए आपके नज़दीकी हॉस्पिटल कैसे सर्च कर सकते हैं, किस बीमारी के इलाज के लिए किस हॉस्पिटल में जाना है, इस योजना के लाभ के लिए जरूरी कौन कौन से कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ आप या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो इस लिस्ट में इंक्लूड कराने के लिए, इस लिस्ट में शामिल कराने के लिए आपको क्या करना होगा, कहां जाना होगा, किससे मिलना होगा, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, इसके टोल फ्री नंबर क्या है, साथ ही साथ आपके किसी सदस्य को इस योजना के तहत ट्रीटमेंट लेना है, उपचार कराना है तो आपको क्या करना होगा, कहाँ पे जाना होगा, किससे मिलना होगा, कितने दिनों में ये ट्रीटमेंट चालू होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी विस्तार में देने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ आपको जुड़े रहना होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले अगले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिल पाए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस योजना के महत्वपूर्ण जानकारी उनको भी मिल पाए। यदि आपका कोई पर्सनल क्वेरी है तो हमें कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अब मेरे मोबाइल पे OTP आ चुकी है तो इसे मैं एंटर करके यहां पर टर्म एंड कंडीशंस को अग्री करने के लिए इसे चेक इन कर लेना पड़ता है। तो मैं इसे चेक इन कर लेता हूं, अब यहां पे सबमिट कर देता हूं।
इसको सबमिट करते ही ये इंटरफेस डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, तो अपना स्टेट सिलेक्ट करने के लिए इस डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करते ही इंडिया के सारे स्टेट का एक लिस्ट आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, सर्च बाय राशन कार्ड नंबर, तो यहाँ पर मैं अपना राशन कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ। अपना राशन कार्ड एंटर करने के बाद सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करते ही इधर राइट हैंड साइड में आपको सर्च रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर, आपके परिवार के किन किन सदस्यों को इस योजना का फायदा मिल सकता है। इधर उनका नाम, एज, जेंडर, HHD नंबर इत्यादि मिलेगा। यहाँ से अपने फैमिली मेंबर के डिटेल्स को विस्तार में डिटेल में देख सकते हैं। तो इसे देखने के लिए फैमिली डिटेल पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल डिस्प्ले होगा और इधर फैमिली मेंबर के डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पर एक एडिशनल जानकारी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक और अच्छी सुविधा दी गई है, गेट डिटेल ऑन SMS। आप इन जानकारियों को अपने मोबाइल में SMS के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS भेज दिया जाता है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो गेट डिटेल SMS पर क्लिक कर देना है, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करते ही ये पॉपअप डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और नीचे कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS भेज दिया जाएगा। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन यानी कि गाइडलाइन फॉर बेनिफिशियरी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप आयुष्मान भारत योजना के इस स्कीम के लिए आप और आपके परिवार के सदस्यों की एलिजिबिलिटी जान सकते हैं।